हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल में आए दोस्तों, अगर कोई बच्चा घर में बीमार है, आप परेशान हो गए हों, दवाइयां दे दे के और डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गए हों, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में एक बहुत ही आसान उपाय गुरु जी ने बताया है, तो हम उनके सुनते हैं उनके श्रीमुख से। तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सकते। मार केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बच्चा बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप घर में जो मंदिर में दीपक लगाते हैं, वो दीपक की बाती निकाल दीजिए और दीपक को नहाने के पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और उसको बच्चे को नहला दीजिए जो बीमारी से ग्रसित है, तो वो तुरंत ही 15 मिनट में ही वो ठीक होने लगेगा बच्चा। और यह उपाय आज शीतला अष्टमी के दिन आप अवश्य करें, तो इसे आप उनको बच्चे को या आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है तो वो भी उसे आराम मिल सकता है। इसे उपाय और जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे लगे तो शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।